इनको म्यूट कीजिए पहले। जो क्रैश कोर्स हम लोग करेंगे पहले उसकी बात करेंगे, उसके बाद नए बैच की बात करेंगे ना। ओके ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि ये सेशन क्यों रखा गया है। मैं यहाँ पे मान करके चल रहा हूँ, या तो आपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इतनी क्षमता रखते हो कि अगर आपको एक दिन में एक बुक कहा जाए पढ़ने के लिए तो आप उसको कवर कर सकते हैं ना। ये दो चीज़ अंडरस्टूड है, एक तो आप पढ़ चुके हो, या दूसरा अगर आपको कहा जाए तो आप पढ़ करके आ सकते हो। ये दो बात ही मैं जान रहा हूँ। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप JRF के लिए जा रहे हो, या अगर आपका ऑलरेडी नेट हो रखा है, तो भी आपको लाभ मिलेगा, और यकीन मानिए बहुत भरपूर लाभ आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, इसको अब मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको एक दिन के लिए एक टेक्स्ट दिया जाएगा। जैसे हम लोग कल का जो टेक्स्ट रहेगा आपका वशिष्ठ संहिता ना, एक दिन जैसे आज कल जो टेस्ट होगा आपका वशिष्ठ संहिता आप पढ़ करके आओगे, और यकीन मानिए कहीं भी आप इधर उधर देखोगे ना तो ज्यादातर जो फोकस्ड होता है उनका हठ प्रदीपिका होता है, हिरण्य संहिता होता है, योग सूत्र होता है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे, मेरे बच्चों से बात करोगे, तो आपको पता चलेगा हम लोग हर एक ग्रंथ को इक्वली प्रायोरिटाइज करते हैं ना, एक ही स्तर पे सारे बुक को लेकर के चलते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हैंड उठे थे अभी तकलीफ वाले में ना, ये बैच के बच्चे थे यहाँ पे ना, इसलिए मैंने बोला कि आपको केवल हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता तक सीमित नहीं रहना है। जब आप ऐसा करते हो तो आपका खुद का नुकसान होता है, पहली चीज। तो कल जो टेस्ट होगा आपका वशिष्ठ संहिता का होगा, फिर परसों जो होगा वो मैं कल आपको टेस्ट के बाद बताऊंगा कि परसों किस टेक्स्ट का होगा। और जैसे मान लीजिए कल आपका वशिष्ठ संहिता होता है और फॉर एग्जाम्पल परसों घेरण संहिता होता है, तो ऐसा मत समझिएगा कि परसों मैं आपसे वशिष्ठ संहिता के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मैं परसों आपके वशिष्ठ संहिता से भी क्वेश्चन करूंगा और आपके घेरण संहिता से भी, और उसके नेक्स्ट डे अगर हठ प्रदीपिका होता है तो ये तीनों टेक्स्ट से मैं क्वेश्चन करूंगा। आप किसी भी क्विज की वीडियो देखना, आपको ये एक चीज कॉमन दिखेगी ना। अगर आप सिक्वेंस में मेरी वीडियोस को देखोगे तो अब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि सर कहीं से भी पूछे जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, मैं एक सीक्वेंस में चलता हूँ, तो उस हिसाब से अगर आप चलोगे तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। आप एक दिन भी फांकी मारोगे तो फिर लगेगा कि ये पूरा टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, उनको ये चीज़ें बहुत भली भांति पता होंगी ना। अब वशिष्ठ संहिता का टेक्स्ट बुक अगर आपके पास नहीं है तो वो PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए ना, ऐसा कोई कंप्लेन नहीं करना है। और एक और बात, आप रंगा हुआ PDF, क्या पूजा जी, रंगा हुआ PDF। हाँ एक और बात, आप कभी भी नोट्स पे रिलाय मत करना। कहीं से भी नोट्स उठा करके, कोई गाइड उठा करके यहाँ पे टेस्ट देने के लिए मत आइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगा। और इस बार का जो पेपर था ना, वो एकदम एक आईना दिखा रहा था कि जो गाइड आप पढ़ करके जाते हो, जो नोट्स आप पढ़ के जाते हो, वो बिल्कुल धरा धराया रह जाएगा, वो कभी भी काम नहीं आएगा, राइट। वो बिल्कुल एक मिरर था। और मैं इसी तरीके से क्वेश्चंस को कराता हूँ ना, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना तो आप पाओगे कि जो क्वेश्चंस आए थे, लगभग लगभग मैं हर एक क्वेश्चंस के पैटर्न को थोड़ा बहुत हिंट कर दिया था कि ऐसी चीज़ों को आप देख करके जाओ ना, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है। एक ही घिसा पीटा पैटर्न हर बार UGC नहीं पूछेगी। और जो अभी आपके पास समय है ना, ये मान के चलो आपके पास 1 महीने का समय है। क्यों? क्योंकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा NTA के लिए। तो अभी से आज 21 हो गया, 22 से आपका शुरू होगा, तो 22 से 8 30 दिन, और 8 से 8 उधर, तो इधर 8 8 16 दिन हो गए। 4 दिन पहले मान लेते हैं नोटिफिकेशन आएगी, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आएंगे, तो मान के चलते हैं आपके पास 1 महीने का समय है। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, जरूरी नहीं है कि अगला पेपर आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन ही होगा, कुछ भी हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगला पेपर आपका NTA ही कंडक्ट करेगी, वो टेस्टिंग एजेंसी बंद भी हो सकती है, किसी और को भी ये दिया जा सकता है ना कि आप टेस्ट को कंडक्ट कराओ। तो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, किसी को कुछ भी नहीं पता अभी क्या होने वाला है ना। तो वो जो कुछ भी पता चलेगा वो मैं आपको 8 जुलाई के बाद खुद अपडेट कर दूंगा, जो भी जजमेंट आएगी उसके ऊपर ये रहेगा। क्लियर है? आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? एक कोई जन बता दे। जी आ रही है सर। ओके ये दूसरी चीज हो गई।
तीसरी चीज कैसे हम लोग इस यहाँ पे कवर करेंगे, अब मैं इसको बता दे रहा हूं। देखो हर दिन एक एक टेक्स्ट रहेगा, आप मान के चलो कितने टेक्स्ट हैं यूनिट 5 में, कोई भी बता दे। 8 8 है ना, तो 8 दिन आपको दिए जाएंगे यूनिट 5 को कवर करने के लिए, और मुझे लगता है 8 दिन पर्याप्त है। और 8 दिन में भी आप इस तरीके से करना कि आपको लास्ट में मैं गोरख संहिता दूंगा, ताकि गोरख संहिता थोड़ी छोटी टेक्स्ट है, तो अंतिम दिन आप सारे टेक्स्ट को रिवाइज कर सको। और जब आपकी ये खत्म होगी 8 दिन के बाद, मैं कंप्लीट टेस्ट लूंगा पूरे टेक्स्ट बुक, आई मीन यूनिट 5 के एक एक टेक्स्ट से, कहीं से भी मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा ना, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। उसके बाद जब आपका यूनिट 5 खत्म हो जाएगा, हठ योगिक टेक्स्ट खत्म हो जाएंगे ना, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, गोरख संहिता, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे यूनिट 3 में, जो आपका योग उपनिषद है, क्योंकि योग उपनिषद और हठ योगिक उपनिषद दोनों के बीच में, सॉरी, हठ योगिक टेक्स्ट और योग उपनिषद दोनों के बीच में बहुत सिमिलैरिटी है। जो चीज आप यहाँ पढ़ोगे वही चीज आप वहां पढ़ोगे, तो जब एक ही चीज आप बार 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 पढ़ोगे, तब जाकर के आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। और योग उपनिषद कितने हैं? 10। कितने उपाय? 8। 8 है, 8। 8 है ना? 9 है, 9। मुख्य उपनिषद 10 है या 8 है? 8 योग उपनिषद यूनिट 3 के 8 है ना? 8 है। हाँ, तो 8 दिन आपको, ध्यान से सुनिए, 8 दिन आपको दिया जाएगा यूनिट 5 के लिए, जिसमें 8 टेक्स्ट कवर होगा। उसके बाद जो 8 उपनिषद है, एक दिन में 4 उपनिषद करना होगा आपको, वो मैं बता दूंगा कि कौन से 4 आपको दिए जाएंगे, तो एक दिन में बहुत आराम से कर लोगे। देखिए आपके पास एक ही महीने का, ये मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अगर उससे ज्यादा होता है तो अच्छी बात है, आपको समय मिल जाएगा फिर उस चीजों को रिवाइज करने के लिए ना। तो 8 दिन यूनिट 5 में होंगे, 2 दिन आपके यूनिट 3 में लगेंगे, 4 दिन एक उपनिषद, 4 दिन एक उपनिषद, तो 10 दिन में आपके यूनिट 3 और यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 2 दिन आपको दिया जाएगा योग सूत्र के लिए, तो ये हो गए आपके 12 दिन। कोई अगर नोट डाउन कर रहा है तो नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए हम लोग एक्चुअली में किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे ना। मैं भी लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि मैं लिख करके नहीं लाया, हम लोग इसी सीक्वेंस में कवर किए थे ना, जो बैच हमारा 21 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था ना, हम लोग इसी तरीके से तैयारी किए थे, जो मैं फ्रेम वर्क आपको बता रहा हूँ कैसे करना है हम लोगों को, और हम लोग एक महीना लेकर के ही चले थे, राइट? ओके, तो इस आपके 8 दिन हो गए यूनिट 5, अभी 8 दिन यूनिट 5 हो गए, 2 दिन आपके यूनिट 3 हो गए। उसके बाद योग सूत्र के लिए आपके आपको 2 दिन दिया जाएगा, एक दिन समाधिपाद साधन पाद, एक दिन विभूति पाद कैवल्य पाद, तो यूनिट 4 हो गए 2 दिन में, तो 5 दिन 8, 2 10 दिन, पाँच दो सात 12 दिन, 8 2 10 12, हाँ यस 12, 12 दिन, 8 2 10 12 दिन हो गए। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे एनाटॉमी में, एनाटॉमी में आपको मान के चलो 3 दिन लगेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक सिस्टम के लिए ना, जैसे स्केलेटल सिस्टम हो गए, मस्कुलर सिस्टम हो गए, नर्वस सिस्टम हो गए, तो ये मान के चलो कि आपको 3 दिन दिया जाएगा एनाटॉमी के लिए। ये मैं केवल एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ना साइकोलॉजी को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ना, केवल एनाटॉमी, प्रॉपर एनाटॉमी के लिए 3 दिन दे रहा हूँ, और 3 दिन पर्याप्त है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है 3 दिन ना। और अगर अभी कंक्लूड करेंगे तो होगा तो एक दिन बाद में घटा भी देंगे इसको, मैं 30 दिन के अंदर बता दे रहा हूँ कि 30 दिन के अंदर हम लोग क्या प्रैक्टिस करने वाले ना। तो 3 दिन में एनाटॉमी लेकर के चल रहा हूँ, तो ये कितने हो गए 15 दिन। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे आगे की ओर, सॉरी सॉरी सॉरी, एनाटॉमी के बाद हम लोग जाएंगे जो आपकी डिजीज है ना, क्योंकि आपने एनाटॉमी पढ़ी उससे रिलेटेड डिजीज पढ़ोगे तो आपको इंस्टेंट समझ में आएगा कि ये चीजें अभी आपने पढ़ी, इससे संबंधित जो भी बीमारियां रहेगी हम लोग योग और टेक्स्ट, योग और रोग जो पुस्तक है उससे इस चीजों को स्टडी करेंगे। जो आपकी कौन सी यूनिट में आती है डिजीज वाली, कौन सी यूनिट में आती है? 8 यूनिट 8 में ना। हाँ, तो उसके लिए मैं मान करके चल रहा हूँ मैं आपको 2 दिन दूंगा ना, 2 दिन में पूरी डिजीज वाली खत्म हो जाएगी, तो यूनिट 8 आपका इसमें खत्म हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे यूनिट 1 में, यूनिट 1 में ना
जहाँ पे आप योग के परिभाषा वगैरह देखते हैं, आप दर्शन वगैरह देखते हो, तो उसमें भी मैं आपको 3 दिन दूंगा। क्योंकि जब आप दर्शन पढ़ने बैठते, इस बार का पेपर आपने देखा होगा, तो जैन दर्शन बहुत, 10 क्वेश्चन से तो उतने नहीं आए थे, जैन दर्शन से काफी डीप क्वेश्चन आए थे ना। तो उसमें मैं मान के चलता हूँ कि जब आप न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हो ना, तो उसमें समय लगता है, राइट? ये बात से मैं एग्री करता हूँ। तो वहां पे मैं आपको प्रॉपर 3 दिन दूंगा, 3 दिन में आप उस यूनिट 1 को एकदम खत्म कर दोगे। तो कितने दिन हो गए? 20 दिन, 20 दिन हुआ ना। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे यूनिट 2 में ना, जो आपके ब्रह्म विद्या, हाँ, याज्ञवल्क्य स्मृति, उसी में आ जाएगी ना। एक दिन पहले मैं बता दूंगा कि उस बुक को कैसे स्टडी करोगे ना, अभी मैं केवल आउटलाइन बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। एक दिन पहले मैं आपको हिंट कर दूंगा कि इस चीज को ऐसे ऐसे आपको पढ़ करके आना है ना। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे यूनिट 2 में, जो आपके ब्रह्म विद्या वाले उपनिषद है ना। उसमें कितने उपनिषद है? 10 10 है ना। तो उस 10 में 2 दिन मैं दूंगा, एक दिन 5 उपनिषद, एक दिन 5 उपनिषद, वो हो जाएगा। मैं मिला करके दूंगा, छोटा बड़ा उपनिषद मिला करके ना। तो 2 दिन में आपको 10 उपनिषद पढ़ने। देखिए, मैं पहले ही बोला कि या तो आप पहले पढ़ लिए हो सारे की सारी चीजें, तभी आपके लिए एक्चुअली हेल्पफुल होगी, और या नहीं तो आप उतना समय निकाल पाओ कि जितना मैं आपको दूं उतना आप पढ़ करके आओ ना। ये बात मैंने पहले ही बोल दी। तो 2 दिन आपके मान के चलो यूनिट 2 हो गए। तो अब क्या हो गया, कितने दिन हो गए? 19 दिन हो गए ना। 8 2 10 2 12 3 15 2 17 3 20 2 22, बाईस 22 दिन हो गए। तो यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 आधा हुआ, एनाटॉमी हुआ है अभी, इसको मान के चल रहा हूँ 6 हो गया ना। फिर उसके बाद यूनिट 7 में आएंगे, जहां पे आप क्या पढ़ते हैं, यूनिट 7 में क्या पढ़ते हो? डाइट एंड न्यूट्रिशन ना। उसके लिए मैं आपको 2 दिन दूंगा, डाइट एंड न्यूट्रिशन। क्यों, इसको मैं बता देता हूँ, डाइट एंड न्यूट्रिशन के लिए क्यों मैं 2 दिन दे रहा हूँ। क्योंकि आप जब डाइट एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर देखते हैं, तो उसमें आपको मिताहार दिखती है, और मिताहार का वर्णन आपको जहां जहां मिला, चाहे वो शिव संहिता हो, वशिष्ठ संहिता हो, किसी भी टेक्स्ट में, चाहे वो यूनिट 5 में हो या यूनिट 3 में हो, मैं आपसे वो कहीं से भी पूछ सकता हूँ कि मिताहार कहाँ कहाँ मिलता है ना। उसके अलावा भगवद गीता से काफी क्वेश्चन बनते हैं, जो गुणत्रय विभाग योग है ना, या श्रद्धात्रय विभाग योग, और जहां जहां ये चीजें मिलती है, आहार की चर्चा आपको मिलती है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिट 7 जब आप करोगे, तो उसके लिए मैं आपको 3 दिन दूंगा ना। उसके बाद ये यूनिट 3, सॉरी यूनिट 7 हो जाएंगे, 3 दिन। अब हो गए आपके कितने, 25 दिन हो गए। एक दिन मैं आपको टीचिंग मेथड के लिए दूंगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं ना, एक दिन पर्याप्त है। अगर आपको टीचिंग मेथड नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको जो हमारी लाइव क्लासेस की वीडियोस थी ना, मैंने बहुत अच्छे से बताया है टीचिंग मेथड। एक डाउट आपको नहीं होगा ना, एक डाउट जिसको बोलते हैं ना, टीचिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक दिन में आप उसको अच्छे से कर लोगे। तो अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दूंगा ना। तो 1 दिन हो गए, ये हो गए आपके 26 दिन। अब बच गए यूनिट 10। तो यूनिट 10 में मान करके चल रहा हूँ कि 1 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, यूनिट 10 कंप्लीट हो जाएगा 1 दिन। 27, और लास्ट दिन जो बचेगा वो आप साइकोलॉजी कर लीजिएगा, ठीक है? लास्ट दिन 27, एक 28, ये आपका 28 दिन का हो गया। और लास्ट के 2 दिन हम लोग केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, जो क्वेश्चन आ चुके हैं उस पे मंथन करेंगे। ये आपका 30 दिन का लेसन प्लान हो गया कि हम लोग कैसे कैसे यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं। आया सभी को समझ में? जी सर, किन्हीं का हो गया ना, सारा यूनिट कर दिया ना मैंने कवर 30 दिन में। देखो, वैसे लोग बिल्कुल घबरा जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, या आप दिन में 2 4 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा वशिष्ठ संहिता या शिव संहिता पढ़ते हो अच्छे से, तो नो डाउट आपको 3 4 घंटे लगेंगे ही लगेंगे ना, ये बात आप मान करके चलो। क्लियर है सभी को? सारी बातें समझ में आ गई? सर जो वशिष्ठ संहिता है, तो जी उसमें उसमें हम लोग जो उसमें तो दो तीन तरह, जो एक संस्कृत टेक्स्ट दिया हुआ है, इसके बाद उसका जो है डिफिनीशन अन्वय दिया हुआ है, दूसरा हिंदी वर्जन उसका दिया हुआ है भावार्थ। तो उसमें भावार्थ वगैरह पूरा पढ़ना है कि तीनों चीजें पढ़नी है हमको, संस्कृत टेक्स्ट और अन्वय उसकी और फिर हिंदी भावार्थ?
आपने पेपर दिया पहले कभी? नहीं सर, पहली बार इस बार दिया है मैंने। कोई बात नहीं, आप सारी चीजों को पढ़ करके आइएगा, ठीक है? उसके बाद जब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, तो अगर आपको आंसर आए तो आप आंसर देना, और नहीं आए तो उस क्वेश्चन को लिख लेना, और उसके बाद पीवाई जी नहीं, आपको यहाँ पे ना एक तरीके से ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है, आपको केवल बुक देखना है। जैसे बता देता हूँ मैं, थोड़ा आपको ओवरव्यू कर देता हूँ। इस बार एक क्वेश्चन आई थी प्रत्याहार से संबंधित, अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको याद होगा ना, प्रत्याहार जी, जी, वशिष्ठ संहिता से। अब बहुत जी, लोगों को नहीं पता कि वहां पे प्रत्याहार के लिए क्या बताया गया है, नहीं बताया गया है ना, कितने प्रत्याहार मिलते हैं वहां पे, कोई बता दे? चार चार प्रकार के प्रत्याहार मिलते हैं ना, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो पता रहता है कि मर्म स्थानों से प्राणों को ठहराना, ऐसी चीजों, यही चीजें याद रहती, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा भी वहां पे दो बातें, दो परिभाषा बताई गई है प्रत्याहार की। तो अब जो मैं क्वेश्चन पूछा ना, जो ये क्वेश्चन मैं डेली पूछता था जब वशिष्ठ संहिता के क्वेश्चन होते थे ना, ये क्वेश्चन आपने भले हो सकता है पहली बार देखा होगा, क्योंकि आपने कभी टेक्स्ट को इस तरीके से नहीं पढ़ा, आपने हमेशा अपने आप को उस नोट्स तक सीमित रखा जो आपको किसी थर्ड पार्टी से आपको मिला है ना, आपने कभी बुक्स को गो थ्रू नहीं किया। तो आप कोशिश करना कि बुक्स को एक बार पढ़ कर गया हो, मैं क्वेश्चंस करूं, जो क्वेश्चन नहीं आए आप उसको नोट डाउन कर लेना, और अगले दिन 1 घंटे निकाल करके, या उसी दिन जैसे 9 से 10 जो आपकी क्लास चलेगी, 10 बजे के बाद अगर आप थोड़ा लेट सोते हो तो 1 घंटे उस चीज को बस ओवरव्यू कर लेना। उसके बाद अगर आपको चीजें समझ में नहीं आए तो आप उसे पूछ लेना, सर ये क्वेश्चन कहाँ से था, तो मैं आपको उसका रेफरेंस बता दूंगा, उसके बाद आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे, पीवाईक्यूज पे भी फोकस करेंगे, लेकिन मैं इसलिए उस पर फोकस उतना ज्यादा नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि पहली चीज जो आपने देखा इस बार पूरा पैटर्न चेंज हो गया। जैसा कि पहले मैंने बताया, हो सकता है इस बार एनटीए कंडक्ट एग्जाम ना भी करे ना, हो सकता है उससे वो पावर वापस ले लिया जाए, एनटीए को हो सकता है डिसॉल्व कर दिया जाए, या उसकी कोई अस्तित्व ही ना रहे, ये पता चलेगा कब, 8 के बाद ना। तो ये मान करके चलो कि पीवाईक्यूज पे आप बिल्कुल रिलाय मत करना, नहीं तो आपका बहुत बड़ा डैमेज होगा। वो एक्चुअली में क्या होने जा रहा है किसी को भी आइडिया नहीं है, एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि अब 3 मेरिट लिस्ट आएंगे ना, तो जब ये 3 मेरिट लिस्ट का प्रावधान इसलिए लाया गया कि जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती थी उस चीज को खत्म करने के लिए ना, जो वहां पे घपला वगैरह होता था उस चीज को खत्म करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो थोड़े अलग लेवल के बनेंगे, और रिसर्च वगैरह को भी ध्यान में रखता हुआ ना, क्योंकि आप फर्दर पीएचडी करने के लिए जाओगे। तो ये थोड़ा बहुत मैं पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, पेपर 1 का मैं यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं कराने जा रहा हूँ, जो कुछ करेंगे हम लोग केवल और केवल पेपर 2 10 यूनिट, पेपर 1 आपको खुद संभालना होगा हाँ फिलहाल के लिए। ओके, इसमें कोई दिक्कत, सारी बातें आ गई समझ में? ओके, अब बात करते हैं इसके इसके फी स्ट्रक्चर की ना। इसका मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है ना, 500 बहुत जेन्युइन प्राइस है, कि अगर कोई 500 रुपए लेकर के, और आप मेरे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करना, हो सकता है आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन पूछेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, ये तो मैं खुद से भी कर सकता हूँ। नहीं, आप एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू करना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा ना। आपने आई होप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे ना, उसमें वीडियोस के सेक्शन में जाना, और वहां पे आप कोई क्विज का कोई वीडियो निकाल लेना रिसेंटली जो अपलोडेड है, जैसे वशिष्ठ संहिता के हो गए, शिव संहिता के हो गए, या गेरेंट संहिता हट प्रदीपिका के ना, तो जब आप उस क्वेश्चन की क्वालिटी को देखोगे ना तो आपको खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा ना। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए वो इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपकी क्रैश कोर्स की फी स्ट्रक्चर ना, 500, और इसमें हो सकता है अगर पेपर में डिले हो तो वो तब तक के लिए वैलिड रहेगी ना, ऐसा नहीं है कि 1 महीने, नहीं, पेपर जब तक नहीं होगा तब तक मैं आपको ये रिवाइज 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 कराता रहूंगा ना, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, आपका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को ना, 1 जुलाई को, और वो बहुत स्मूथली चलेगी, तो दोनों के टाइम फिक्स है। जो नया बैच स्टार्ट होगा वो 8 to 9 होगा, जो क्रैश कोर्स वाला बैच होगा क्वेश्चन स्पेसिफिक वो 9 to 10 होगा। तो जो दोनों में इनरोल करते हैं तो वो 2 घंटे की क्लास होगी, और अगर केवल आप क्रैश कोर्स में जा रहे हो तो आप 9 से 10 जोड़ेंगे ना। ये आप अपने स्वेच्छा से देख लो कि क्या लगता है कि आपको कुछ तैयारी अगर थोड़ी कम है तो आप दोनों में स्विच कर सकते हैं ना, लेकिन अगर आपको लगता है आप 1 दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे निकाल सकते हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी हो रही है, तो वो नीड मैं आपकी पूरी कर दूंगा ना। तो यहाँ पे ना हम लोग इस 30 दिन के अंतर्गत, आप मान करके चलो एक
बहुत अच्छा आपका रिवीजन होने जा रहा है ना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो, एनीवन, बुक से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, कुछ भी कुछ भी, टाइमिंग से रिलेटेड, एनीथिंग। सुप्रिया जी, संतोष जी, रिया जी, राजपाल जी, प्रिया जी, टाइमिंग्स क्या रहेंगी इस कोर्स की क्या रिया जी, सर? टाइमिंग्स क्या रहेंगी इस कोर्स की? टाइमिंग अभी बताया ना मैंने, क्रैश कोर्स का जो क्वेश्चंस की होगी ना वो 9 to 10 होगी, जो आपका फ्रेश बैच चलेगा वो 8 to 9 होगा। क्लियर है? जी सर। और किन्हीं को, मोनिका जी, मिंटू जी, सर जी, कौन सी बुक पढ़ना है कल के लिए? आई जस्ट टोल्ड यू ना दैट यू हैव टू गो थ्रू वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता इस बार क्वेश्चन अदर देन हेलो प्रत्याहार के। हाँ बताइए अभिषेक जी। सर, क्या ऐसी संभावना है क्या कि जिन लोगों ने फॉर्म इस बार नहीं भरा था उन्हें दोबारा फॉर्म भरने का चांस मिलेगा? ये नहीं होगा, वो अब दिसंबर में होगी, क्योंकि वो पोर्टल ऑलरेडी क्लोज हो गई है ना, वो अच्छा ओपन। जी, ये बहुत रेयर है ना, ये बहुत रेयर जो आप क्वेश्चन किए, ये हो सकता है कुछ लोग इस उम्मीद में भी होंगे कि वो पोर्टल खुलेगा। और लेकिन ऐसा हुआ था, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब कोविड का टाइम पीरियड था ना, तो जब पहला पेपर होने वाला था दिसंबर वाला, तो वो नहीं हुआ था, और उसी पोर्टल में फिर जो मिला करके पेपर हुए थे दिसंबर का और जून का, उस दौरान ऐसी चीजें हुई थी जो अभी आप बात कर रहे हो अभिषेक जी ना, उस दौरान हुई थी आज से 2 2.5 साल पहले। लेकिन अभी जी सर, सिचुएशन दूसरी है, उस दौरान एग्जाम्स को मर्ज किया गया था ना, अभी पेपर को मर्ज नहीं किया जा रहा है, अभी पेपर सेपरेट ही होंगे। हो सकता है ये 1 महीने से 1.5 महीने हो जाए, 2 महीने हो जाए, लेकिन पोर्टल ओपन नहीं होगी दोबारा, वो अब आप दिसंबर में ही पेपर दे पाएंगे ना। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? सर जो लोग इस बार, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बताइए। सर एक्चुअली मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है हाँ और मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से योगा में एमए किया था 2021 में। इसके बाद वहाँ से ओपन यूनिवर्सिटी का कुछ हमारे पास मटेरियल्स है और जो उन्होंने दिया था राजेश टंडन ने, और इसके अलावा सर जो आप रोज प्रैक्टिस कराएंगे जैसा कि अभी ने बोला है, तो क्या आप पीडीएफ भेजेंगे कि मैं टेक्स्ट बुक जो आप सजेस्ट करेंगे वो अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगा लें? मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, और सर पूजा जी की लैंग्वेज में बोले तो रंगा हुआ ना, हाइलाइटेड टेक्स्ट रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। देखिए जो हाइलाइटेड रहेंगे ना वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर मुझे कुछ कुछ और भी इम्पोर्टेंट लगा तो वो मैं आपसे पूछूंगा ना। अगर आपके पास बुक्स नहीं रहेंगी तो वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आई होप लेकिन पीडीएफ से आप पढ़ने में सक्षम होंगे ना, अगर आप लैपटॉप वगैरह सर, चल रहे हैं। हाँ जी सर, और उसमें अच्छी बात यह है कि जो आपने हाइलाइटर से किया है और मैं देख रहा था कि उसमें जो 3 क्वेश्चन अभी पूछे गए थे ये, तो तीनों क्वेश्चन मैंने देखा वो हाइलाइटर लगा हुआ था उसमें। तो इसमें हाँ फायदा यह है कि हाइलाइटर वाला जो भी आप अपनी दृष्टि में आपको इम्पोर्टेंस दिखा उसका, उसमें आपने कर दिया, तो वो हमारे हित के लिए है, भलाई के लिए है, उसको हाँ हम लोग ज्यादा फोकस कर पाएंगे। हाँ वो टाइम सेव होगा आपका, वो टाइम सेव होगा, बहुत ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टाइम सेव करने के लिए। तो हो सकता है बहुत आप लोगों के पास नहीं होगा, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनके पास वो रंगा हुआ पीडीएफ होगा, तो अगर आप अभी जुड़े हो तो आई विल प्रोवाइड यू दैट कलरफुल पीडीएफ, राइट। हाँ कुछ लोग रिकॉर्डिंग की बात करें तो हाँ आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड बिल्कुल कराई जाएगी, अगर आप किसी दिन मिस कर देते हो तो आपको रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल करा दूंगा ना। हो सकता है आपकी अपनी व्यस्तता हो जिसकी वजह से आप मिस कर दो, तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और किन्हीं की कोई क्वेश्चन, कुछ भी, एनीथिंग, नोमन? सर मुझे दोनों में पढ़ने का मन कर रहा है, क्योंकि यू आर फ्री टू गो। मैं पढ़ नहीं पाई ना, पहले बार खाली क्वेश्चन आंसर करी हूं ना। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं जो आपको पढ़ाऊंगा ना, जब मैं हठ योग पढ़ाऊंगा तो मैं केवल ग्रंथ में क्या लिखा हुआ ये नहीं पढ़ाऊंगा, जब मैं हठ योग शुरू करूंगा तो हठ योग की जो ओरिजिन है ना, अगर आप बहुत स्टडी किए होंगे या अगर आपको आपके कॉलेज ने अच्छे से पढ़ाया होगा, तो आपको पता चलेगा कि
मेरी आवाज इको हो रही है, एक सेकंड रुके तो शायद रिकॉर्डिंग नहीं तो खराब हो जाएगी, एक सेकंड। आ रही नहीं आ रही आवाज? ओके हाँ, तो जो मैं आपको हठयोग पढ़ाऊंगा ना, हाँ ये मैं बोल रहा था कि हठयोग की जो ओरिजिन है ना वो एक्चुअली तंत्र से है ना, तंत्र को जब आप स्टडी करते हो तो हठयोग की जो ओरिजिन है वो तंत्र से है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ करूंगा तंत्र से, उसके बाद मैं लेकर के आपको हठयोग का पूरा ना, बहुत लोगों को अक्सर पता नहीं आप लोग ने इस नज़रिए से सोचा है या नहीं सोचा है कि हठयोग हम लोग देखते हैं जो गोरक्ष संहिता है या घेरण संहिता है, हम लोग को हठयोग की चर्चा उपनिषद में भी मिलती है, तो वहाँ पे भी हठयोग है यहाँ पे भी हठयोग है, लेकिन ऐसा इस तरीके से आपने कभी सोचा नहीं, सोचा आई डोंट नो। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि उसकी क्या रेलेवेंस है ना, जो हम लोग उपनिषद में योग उपनिषद में हठयोग देखते हैं ना, वहाँ पे भी चतुरंग योग देखते हैं, जो हम लोग यूनिट 5 में यौगिक हठयोगिक टेक्स्ट देखते हैं, उन दोनों के बीच में क्या चीज़ कॉमन है, बहुत बारीकी से मैं चीज़ें आपको बताऊंगा ना, क्योंकि आप केवल ऑब्जेक्टिव स्टडी करके किसी भीड़ में खड़े होकर के लेक्चर नहीं दे सकते। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए जाते हो तो आपके पास नॉलेज इतनी चाहिए कि जब आप व्याख्यान दो तो समय कम पड़ जाए, आपके शब्द नहीं कम पड़ जाए ना, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और वही घिसा पिटा चीजें आपको नहीं बोलना है कि जो आज से 5 साल पहले जो व्यक्ति बोल रहा था वही चीज आप बोल रहे हो, नहीं। जब आप नेट की तैयारी कर रहे हो, जब आप 8-8 बहुत मुख्य हठ योगिक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आप वही चीजें बोल रहे हो जो अन्य लोग बोल रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा ना। और ऑब्जेक्टिव स्टडी अपने जगह है, सब्जेक्टिव स्टडी अपने जगह है। एग्जाम निकालने के लिए नो डाउट आपको नहीं पूछा जाएगा कि इसका तंत्र से क्या रेलेवेंस है, लेकिन जब आपसे बच्चे प्रश्न करेंगे राइट, तो आप अपने आप को इतना काबिल जरूर बनाओ कि उसके उत्तर देने में आप सक्षम हो, वहां पे आप निरुत्तर नहीं हो जाओ, वहां पे आप मौन नहीं रह जाओ ना, इतना आप अपने आप को उस नॉलेज से परिपूर्ण कर लो राइट। तो इस तरीके की हमारी अप्रोच रहती है, बाद में नो डाउट हमारी ऑब्जेक्टिव हो जाती है, हम ये पढ़ने लगते हैं कि कहाँ कहाँ नाड़ी शुद्धि है, किस किस टेक्स्ट में है, किस किस टेक्स्ट के किस किस यूनिट में है, कितने समय में नाड़ी शुद्धि है, किस किस टेक्स्ट में कितने चिन्ह है नाड़ी शुद्धि के। तो ये चीज धीरे 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 ना आपको एकदम एक जैसे कैसे घड़े को शेप दिया जाता है ना, तो आप इस एक महीने में ना आपको एक बहुत अच्छा शेप दिया जाएगा कि आप एकदम प्रिपेयर हो जाओगे, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ना, आपको हर एक चीज लगेगा जैसे आप एकदम पढ़ करके पहले से ही आए हो या कहीं ना कहीं आपने पहले पढ़ रखा है राइट। इस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं। और फील हुआ था सर क्वेश्चन देख के, क्या पूजा जी? फील हुआ था क्वेश्चन देख के एग्जैक्टली। और प्रिया जी तो कह रही थी सर मुझे लगा कि पेपर तो आप ही लग रहा था बना करके आए ना, बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। सर इसकी फीस भी लगेगी? यस आई जस्ट टोल्ड यू ना, आप शायद लेट से जुड़े थे, क्रैश कोर्स की फीस 500 है ना, 500, और जो फ्रेश बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 1500 ना, ये शायद मैंने बोला 1500 राइट, पूरी कोर्स की ना, जब तक आप ये 6 महीने ना हो जाए ना, 6 महीने के अंतराल में पेपर होता है, जैसे अभी जो बैच स्टार्ट हुआ था वो 21 दिसंबर से हमारा स्टार्ट हुआ, तो 6 महीने में इधर आपके 21 जून, आज प्रॉपर 6 महीने हो गए ना, 21 दिसंबर से 21 जून, हाँ ओके। तो ये 6 महीने के लिए होगा, और ये जो अभी आपका क्रैश कोर्स होने जा रहा है ये जब तक पेपर नहीं होगा तब तक मैं आपको परेशान करता रहूंगा राइट, क्वेश्चन पूछ पूछ करके। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, भागोगे नहीं क्लास से। अक्सर ना जब ये बैच स्टार्ट हुआ था 21 दिसंबर को, हमारे पास 22 बच्चे आए थे, जिनमें से हो सकता है आज भी कुछ जुड़े हों, देखने दीजिए मुझे नाम, मैं देख लेता हूँ केवल संतुष्ट कर लूँ। हाँ कुछ कुछ तो हैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो घबरा गए ना, इस तरीके से उन्होंने कभी स्टडी ही नहीं किया था, तो 22 बच्चे से केवल 6 से 7 पे सीमित हो गए ना। तो जब हमारी आप क्लास की रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो आपको 6-7 चेहरे या 6-7 नाम ही कॉमन आपको दिखाई देंगे ना। तो मैं ये आपसे वर्ड मांगता हूँ कि आप कोशिश करना 30 दिन अटेंड करना, और इतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, यकीन मानो कि आपने कभी उस तरीके से क्वेश्चंस को मोल्ड करके सोचा ही नहीं होगा ना, इतना मैं आपसे जरूर चाहूंगा राइट। इतना आप करना कि आप क्लास छोड़ करके भागना मत,
क्वेश्चन देख करके भागना मत, नहीं तो फिर जब एग्जाम में आओगे तो फिर तो वहां तो चारों तरफ से छिका जाओगे। हाँ, इस क्वेश्चन से भागोगे तो वो पकड़ लेगा, उधर से भागोगे तो वो पकड़ लेगा, चारों तरफ ना चक्रव्यूह में फंस जाओगे। तो बेहतर है यहाँ क्वेश्चन का सामना करो, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको आप समझो, उसको आप देखो कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं ना, ये हमारी अप्रोच रहती है। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन, जो लोग लेट जुड़े ना, इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप उसको रिकॉर्डेड देख लेना। स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी बातें बताई कैसे कैसे हम लोग इस 30 दिन में सिलेबस को कवर करेंगे ना, तो अभी क्लास के बाद ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो आप जो लोग लेट से जुड़े ना, कुछ लोग लेट से जुड़े, तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डेड। सर जी, मैंने आपकी क्लास दिसंबर से क्लास ज्वाइन की, होती तो इस बार मेरी जीआरएफ होती। या श्योर लकी जी, जरूर होती ना, इसलिए मेरे बच्चों को थोड़ा ज्यादा तकलीफ हो गया पेपर के कैंसिल होने से। एनीवे, हम लोग फिर से वही होगी कि अब आपको दोबारा बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, चाहे वो आप मेरे साथ पढ़े हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी किए हो ना, अगर आप पढ़े हो तो मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाएगी। जो नॉलेज आपने गेन किया अच्छा है, उस पर दो चार पॉलिश और हो जाएंगे, कुछ नई नई बातें आप सीख जाओगे, और पेपर बढ़िया इसी तरीके से जाते कि जो नॉलेज आपने सीखा उससे और बेहतर कुछ सीख करके जाते हो, तभी पेपर में आप ओवल मार्क्स लेकर के आते हैं ना। ओके, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कल, कितने लोगों के पास, एक सेकेंड, आप सभी लोगों का नंबर, मेरा नंबर है ना आप सभी लोगों के पास, किनके पास कोई है जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, पहले ये बात बताते हैं आप, है सभी लोगों के नंबर? चलो मैं समझ गया, नंबर है, हाँ बढ़िया। अब दूसरी चीज, अगर आपको वशिष्ठ संहिता की पीडीएफ चाहिए रंगा हुआ, तो आप मुझे क्रैश कोर्स में पेपर टू पढ़ेंगे कि पेपर वन भी? नहीं, ओनली पेपर टू। निधि जी, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा ना, ओनली पेपर टू, वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन पेपर टू, होल यूनिट, यूनिट 10 ना, 10 यूनिट को कवर कर रहे हैं। हाँ, तो पहली चीज, आप मुझे व्हाट्सएप पे हरिओम लिख के भेज दीजिएगा। दूसरी चीज, इफ यू वॉन्ट टू, इफ यू वॉन्ट दैट पीडीएफ, यू मस्ट टेक्स्ट मी ना, आप मुझे मैसेज करोगे सर मुझे वशिष्ठ संहिता की पीडीएफ चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपको इनरोल करना है तो आप वो भी लिखोगे ना, सर आई नीड टू इनरोल और आई वॉन्ट टू इनरोल, राइट? उसके बाद आई विल सेंड यू अ क्यूआर कोड, यू मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ 500 एंड वी कैन स्टार्ट सेशन फ्रॉम टुमोरो ऑनवर्ड्स, राइट? और चाहे आप अच्छा मानो या बुरा मानो, मैं अपने बच्चों को संडे की छुट्टी नहीं देता हूँ ना, अगर वैसा कुछ होता है तो मैं आपको दे दूंगा। जैसे मान लो कि आप 8 दिन हठ योगी टेक्स्ट पढ़े, 9वां दिन आपका संडे पड़ गया, अगर मान लो 50-60% बच्चे बोलते हैं कि सर एक दिन थोड़ा सा रहम खाइए, तो फिर मैं वैसे सिचुएशन में छोड़ दूंगा कि चलो ठीक है, आज आप उस ऑटो टेक्स्ट को रिवाइज कर लो ना, लेकिन कोशिश कीजिए। देखिए मैं फिर बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि 1 महीने से ज्यादा भी समय लग सकता है ना, 2 डेढ़ 2 कुछ भी जा सकता है, बट मैं ये मान करके चल रहा हूँ 1 महीने ना, तो उससे भी 2 दिन कम, 28 दिन में मैंने अभी पूरे दिन को जुड़ा है ना, तो 28 दिन के अलावा जो समय मिलेगा तो उसमें हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो कोशिश करो कि इस 28 दिन से पहले ना आप संडे मनाओ, और कोशिश करूंगा मैं भी ना मनाऊ ना, मैं भी संडे ना मनाऊ, 28 दिन जम करके पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है सभी को? क्या हुआ पूजा जी, बहुत मुस्कुरा रहे हो आप? सर व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है मेरा नंबर, तो आपको लिंक कैसे आई क्लास? ओके, आई एम राइटिंग हियर ना, आई एम राइटिंग इन मैसेज, आइदर यू कैन कॉपी और टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाट एवर यू वॉन्ट। 1-7042-159-175, राइट? मैंने भेज दिया, अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पेस्ट कर लो, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज व्हाट्सएप पे हम लोग जुड़े रहेंगे। एक बार जब आप को पीडीएफ मिल जाएगी फिर आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, कल 9 बजे से 10 बजे ना, ये याद रखना है, टाइम चेंज नहीं होगी, 9 से 10, ठीक है? पढ़ करके आइएगा। सर हाँ बताइए। नमस्ते सर। हरिओम स्मिता जी। हरिओम सर, योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं, सर आपको भी। हाँ हाँ सर ये मैं बोल रही हूँ कि सर थोड़ा सा 9:30 कर सकते हैं क्या टाइम? देखिए आप 9:30 बजे जुड़ जाना, आप आधे घंटे की रिकॉर्डिंग देख लेना ना, क्योंकि 9:30 से 10:30 एक्चुअली बहुत लेट हो जाता है, और मैं खुद
5 बजे उठता हूँ, मेरी एक मॉर्निंग में क्लास रहती है ना, तो और ये बहुत लोगों के साथ भी होता होगा कि कुछ लोग यहाँ पे भी क्लास लेने जाते होंगे ना, तो आप आधे घंटे की रिकॉर्डिंग देखना, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे तीन मिनट में भी डिस्कस कर लेना। यहाँ पे मैं कुछ आपको बताने समझाने पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, केवल मैं क्वेश्चन करूंगा आप उसका उत्तर दोगे। आप पढ़ करके आ रहे हो तो जब आप रिकॉर्डेड देखोगे तो जब मैं क्वेश्चन करूं वीडियो को पॉज कर देना, आप मेंटली उसको आंसर करना। आंसर देने में सक्षम नहीं हो तो आप फिर मेरे आंसर्स को सुन लेना वीडियो को प्ले करके, राइट? हाँ बट सर समझना भी है ना, समझे भी तो नहीं है तब तो, मतलब ऐसा कि जो भी आप पूछेंगे तो उसमें मतलब एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिएगा साथ में क्वेश्चन के आंसर के साथ हाँ, में। वो तो मैं दूंगा ही, जी वो तो रहेगा ही ना। आप एक दो दिन देखना, अगर समझ में नहीं आए तो आप बता देना कि सर ये चीज आप थोड़ा सा करेक्ट कर दो तो मुझे हेल्प हो हाँ, जाएगी ना। क्योंकि मैं अभी सर मेरा ना अभी क्लियरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, समझ लीजिए अच्छा ही हो रहा है कि दोबारा एग्जाम हो रहा है, ये ये बहुत बहुत लोगों के अच्छी लिए ना बात। अभी हाँ बिल्कुल क्लियरिफिकेशन नहीं है, अभी जो मेरे सेकंड पेपर भी मैं बहुत कंफ्यूजिंग में था, समझ ही नहीं आ रहा था। लॉजिक वाला तो चलो ठीक है, लॉजिकल था, बट सेकंड पेपर सब एक जैसे ही समझ में आता है सर, तो बहुत था, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अच्छे से क्लियरिफिकेशन के साथ पढ़ लेना तो उसी के लिए ना। आप लोग कैसे स्टडी करते थे? ठीक है माइक म्यूट कर लीजिए। आप लोग कैसे स्टडी करते थे? आपने हट प्रदीपिका पढ़ा, उसको जाकर के तखा पे रख दिया, दोबारा निकालना नहीं है, फिर उधर से ही गिरण संहिता उठाया, उसको पढ़ा, हट प्रदीपिका के ऊपर गिरण संहिता को रख दिया, फिर आपने एसएसपी उठाई, उसको पढ़ा, उसको उसके ऊपर रख दिया, तो हट प्रदीपिका दवा का दवा ही रह गया, उसको वापस निकाला नहीं, और जब क्वेश्चन आए तो आपको पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। आपने कभी मिला करके नहीं पढ़ा कि अच्छा हट प्रदीपिका पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे, जरा एक बार मिला लेते हैं गिरण संहिता से क्या मिल रहा है, या हट प्रदीपिका पढ़े वशिष्ठ संहिता में क्या था, एक बार उसको मिला लेना। ये अप्रोच आपने कभी लिया ही नहीं, तो ये जो है ना ये यूनिकनेस है हमारी, जो अप्रोच है ना ये यूनिक है, जो काफी बच्चों को पसंद भी आती है, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो भी शायद ये चीज पसंद कर रहे हैं, राइट? ओके आई गेस अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना, क्लियर है सभी को? जो लोग सर लेट से एक जुड़े आप टॉपिक रिकॉर्डिंग देख मिलेगी लीजिएगा। क्रैश कोर्स की जो है यस रिया जी, सर, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी क्रैश कोर्स की क्या? हाँ अभी मैंने बताया ना कि रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, हर एक रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेगी ना। आई विल शेयर यू द लिंक, और अगर वो लिंक आपके पास रहेगी तभी आप उस वीडियो को एक्सेस कर पाओगे ना, वो मैं सर आपको भेज दूंगा। मुझे भी थोड़ा पीडीएफ वगैरह चाहिए थी, गीता जी गीता की पीडीएफ चाहिए सर, आप और भी लेट सर से मिल जुड़े हो जाए रीना तो। जी, आप एक बार रिकॉर्डिंग को 2x फॉरवर्ड करके देखिएगा ना, 2x स्पीड में देखिएगा, मैंने हर एक बातें बता दी है, कुछ लोगों को जी लेट हो रही होगी, आप एक बार इस रिकॉर्डिंग को जरूर देख लीजिएगा, अभी तुरंत मैं आधे घंटे में अपलोड कर दूंगा, आप इसको ओके देखिएगा, आपको सारी हाँ चीजें क्लियर हो जाएंगी, हर एक बात मैंने स्टार्टिंग से बता दी है। जो ओके लोग सर पहले से जुड़े हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, आपकी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। हरिओम, आप सभी को शुभ रात्रि। हरिओम सर, शुभ रात्रि सर, हरिओम हरिओम सर, हरिओम सर, हरिओम, शुभ रात्रि, हरिओम सर, शुभ रात्रि। हरिओम।